हवामान विभाग की मोटी आगाही 17 जिल्ला में भारे वरसाद की आगाही आगामी 5 दिवस राज्य में वरसाद की आगाही कराई है। राज्य में 48 कलाक भारे वरसाद की शक्यता है। आज दक्षिण गुजरात में वरसाद रहेशे। नर्मदा तापी और डांग में भारे वरसाद की आगाही है। आज मछीमारों ने दरियो नहीं खेड़वानी सूचना आपवामां आवी छे। बे सिस्टम अने थंडर स्ट्रॉम एक्टिविटी की गुजरात पर असर जोवा मळी। अमदावाद गांधीनगर में 24 कलाक वरसाद रहेशे। गुजरात में बारिश रहेगा लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस में मोस्टली रहेगा। आज और कल थोड़ा बारिश ज़्यादा हो सकता है। जैसे मोस्टली आज मेनी प्लेसेस में गुजरात रीजन में भी सौराष्ट्र कच्छ में भी मेनी प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। कहीं एक आध जगह में हेवी रेन भी हो सकती है। और कल के लिए साउथ गुजरात में मोस्टली रेन रहेगा और एक आध जगह में हेवी भी रूल्ड आउट नहीं हो सकता है। आज के तारीख में बारिश ज़्यादा रहेगा जिसे दाहोद पंचमहल छोटा उदयपुर इवन आपका खेड़ा में भी हो सकता है और अहमदाबाद साउथ अहमदाबाद में भी हो सकता है और भावनगर बोटाड में हो सकता है। सौराष्ट्र में भी दो चार डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हेवी रेन भी होने का संभावना है। अभी मोस्टली आज ही रहेगा, कल रहना नहीं चाहिए। कल हो सकता है कि साउथ गुजरात में एक आध डिस्ट्रिक्ट हो सकता है जैसे डांग तापी नर्मदा। अहमदाबाद गांधीनगर में जो रेन रहेगा मोस्टली आज ही रहेगा। आज गांधीनगर में भी मॉडरेट रेन हो सकता है और अहमदाबाद में भी मॉडरेट रेन रहेगा और हेवी रेन का भी रूल्ड आउट नहीं है। मॉडरेट से हेवी हो सकती है, ना भी हो सकते हैं, लेकिन मॉडरेट रेन पक्का रहेगा। नर्मदा डेमनी सपाटी में वधारो थयो छे। हाल नर्मदा डेमनी सपाटी 136.88 मीटरे पहुंची छे। 24 कलाक में सपाटी में 10 सेंटीमीटर नो वधारो थयो छे। उपरवासथी 81,356 क्यूसेक पाणी नी आवक छे। हाल में नर्मदा डेमना 5 गेट खुला राखवामां आव्या छे। डेममांथी 80,866 क्यूसेक पाणी नी जावक छे। तो नर्मदा डेमनी जे सपाटी छे ए धीरे धीरे हवे वधी रही छे। हाल नर्मदा डेमनी सपाटी 136.88 मीटरे पहुंची छे। 24 कलाक में आ सपाटी में 10 सेंटीमीटर नो वधारो थई रह्यो छे। उपरवासथी 81,356 क्यूसेक पाणी नी आवक छे। हाल में नर्मदा डेमना 5 गेट खोली देवाया छे। वधु माहिती साथे नर्मदाथी संवाददाता दीपक पटेल जोड़ा छे। दीपक, नर्मदानी सपाटी वधी रही छे, शुं लागे छे के आ सीजन में डेम छलकाय एवी कोई शक्यता छे? बिल्कुल पंकज, बात करिए तो जो उपरवास में आज पानी की आवक है 81,356 क्यूसेक पानी की आवक थी रही है, जेने कारण नर्मदा डेम की जो सपाटी है उत्तर उत्तर वधी रही है। डेम की महत्तम सपाटी की बात करिए तो महत्तम सपाटी 138.68 मीटर से एट्ले के जे 136.88 मीटर पहुंची है, एट्ले मरी के 3 मीटर जितलू बाकी है जे डेम छलोछल छलकावामां। तारे कई बात नकारी पण ना शकाय कि जे आवनारा दिवसोमां जो हूं नवू जो पाणी रहेशे तो डेमनी महत्तम सपाटी वटाई शकशे। हाल नर्मदा डेमना 5 दरवाजा पण खुला छे। छेल्ला 15-20 दिवसथी जे दरवाजा खुला छे जेने कारणे प्रवासીઓમાં મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે અને ડેમનો નજારો માણી રહ્યા છે। દીપક, ઉપરવાસથી જે પાણીની આવક પહેલા આવતી હતી એ અત્યારે પ્રમાણમાં વધી છે કે ઘટી છે? बिल्कुल बात करिए तो जो उपरवास में जो पहला पानी की आवक थी जो लाखों क्यूसेक में थी हमें हजारों में क्यूसेक में थी है, एट पानी की आवक घटी है। एट इंद्रसागर डेम है, जो ओंकारेश्वर डेम है, जेना दरवाजा पानी ने ओछा कर देने कारण नर्मदा डेम में पानी की आवक घटी रही है। जी जी दीपक, आभार माहिती आपवा माटे। पंचमहाल जिल्लाना केटलाक विस्तारोमां वहेली सवारथी भारे धुम्मस भर्यु वातावरण जोवा मळी रह्यु छे। घोगंबा कालोल सहितना ग्रामीण विस्तारोमां धुम्मसने लईने वाहन चालको मुश्केलीमां मुकाया। बीजी तरफ धुम्मसना कारणे विजिबिलिटीनुं प्रमाण पण घट्युं हतुं। वरसादना कारणे खेडूतोने माथे चिंताना वादळो छवाया। मगफळी अने डांगरना पाकने नुकसाननी भीति सेवाई रही छे। तो पंचमहाल अनेक विस्तारों में आ प्रकार वातावरण जोवा मळ्युं। घोगंबा कालोल सहित विस्तारों में धुम्मस भर्यु वातावरण जोवा मळ्युं। रस्ता पर विजिबिलिटी पण ओछी थई गई, वाहन चालकोने पण थोड़ी तकलीफ पड़ी। वहेली सवारथी ज धुम्मस भर्यु वातावरण पंचमहाल अनेक विस्तारों में जोवा मळ्युं।
वेलकम बेक। मध्यप्रदेश में फरी मेघराजाए सवारी करी, भारी पवन साथ धोधमार वरसाद खाबकता राज्य में फरी नदियों तोफानी बनी रही है। शाजापुर में भारी वरसाद थी नदी तोफानी बनता फरीथी मार्गो जलमग्न बनया। लोको पाणीना दसमसता प्रवाह में रस्तो पसार करी भारी हालाकी भोगवी रहा छे। तो अनराधार वरसाद एक कर्नाटक में पण भारे ताराजी सर्जी छे। आ तस्वीरों जे कर्नाटक थी आवी रही छे ए आप जोई शको छो। भारे वरसाद ने कारणे अनेक विस्तारों में जड़बंबाकार की स्थिति छे। कर्नाटक तमिलनाडु वच्चेना मार्ग जड़मग्न थई गया अने वाहन व्यवहार पण अहींया खोरवाई गयो। अचानक नदी में पाणीनो वेग वधवाथी लोको मार्गना बन्ने कांठे अटवाई गया। नदीनो दसमसतो प्रवाह मार्ग पर फरी वळ्यो अने लोकोने भारे हालाकी पड़ी। तो छेल्ला केटलाक दिवसथी कर्नाटकमां सतत वरसाद पड़ी रह्यो छे। राज्यना कोलार जिल्लामां आवेलुं सौथी मोटुं तळाव अनराधार वरसादथी ओवरफ्लो थई गयुं। पाणीनो दसमसतो प्रवाह मार्ग पर फरी वळ्यो अने तंत्र द्वारा बेरिकेड लगावानी फरज पड़ी। रस्ता पर 2 फूट पाणी भराता वाहन चालकोने पण हालाकी भोगवानो वारो आव्यो। पाकिस्तानना पूरना पाणी कच्छमां फरी वळ्या, रण दरियामां फेरवाई गयुं होय अने धोवाई गयुं होय एवा मार्गो जोवा मळ्या। आम तो पाकिस्तान हथियारो अने नशीला पदार्थोनी घुसणखोरी माटे जाणीतुं छे, परंतु हवे पाकिस्तानना पाणीए पण घुसणखोरी करी। पाकिस्तानना सिंध प्रांतमां अतिवृष्टिना कारणे भारे तबाही सर्जाई छे। पाकिस्तानमां आवेला पूरना कारणे त्यांना पाणी कच्छ सुधी पहोंची गया छे। दुश्मन देशमां जड़बंबाकारनी स्थितिना कारणे कच्छनो रण पण समुद्रमां फेरवाई गयो छे। विस्तार समावी न शके एटलू पाणी भराई जवाथी समतळ सपाटी धरावता आ रणमां पाकिस्तानमांथी पाणीनो प्रवाह कच्छ तरफ धसी आव्यो। कच्छना अफाट रणमां आ पाणी 100 किलोमीटर सुधी अंदर प्रवेश्यू छे। भारे वरसादने लीधे कच्छना मोटू रण एटले खरीर बेटनी चारे तरफ आवेलू रण एमां चोमासाना पाणी प्रवेश्या छे अने हाले ए पाणी उत्तर दिशानुं पवन लागता दक्षिण बाजु एटले के हाले नेशनल हाईवेना भारतमाला प्रोजेक्ट हेठळ बनता घरुली सांतलपुर रोड जेनो खावड़ा खरीरनो जे पोर्शन छे एमां त्रंगड़ी बेट अने काढवांड वच्चे रोडनी ऊंचाई ओछी होता त्यां पाणी फरी वळ्या छे। तो आ बुलेटिनमां अत्यारे आटलुं ज। नमस्कार।